हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। यस बैंक लिए दोस्तों बड़ी खबर है। दोस्तों ध्यान देंगे, यस बैंक ने कहा है कि 14 मार्च के पहले पहले वो कैसे भी करके फंड राइजिंग का इंतजाम करके दिखाएंगे। और उसके अलावा यस बैंक के लिए चैलेंज हो चुका है, क्योंकि यस बैंक का जो यस बैंक ने बयान दिया है वो अभी अंतिम मौका है और आरबीआई और सरकार देख सकते हैं यस बैंक को कैसे भी करके बचाएंगे वो आगे आने वाले हैं इस न्यूज में। चलिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि यस बैंक में आज का फोकस, यहाँ से यस बैंक का आज इंट्राडे में कहाँ से ऊपर उठने वाला है या कहाँ से नीचे गिरने वाला। ध्यान देंगे, नीचे गिरने के लिए यस बैंक को बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, नीचे गिरने का आपको पता है, कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, नीचे गिरने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा नीचे, क्योंकि अभी इसका जो ट्रेंडिंग पॉइंट आ चुका है वो 33.50 का देख सकते हैं, अभी 34.34 पॉइंट और 35 पर खड़ा है, ठीक है। और 33.50 का वो एनगल्फिंग पैटर्न जो भी आपको मैं वन डे की जो कैंडल है वहाँ पर आपको दिखाऊंगा 33.50 का। पिछले बार भी इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया था, इस बार भी 33.50 के सपोर्ट पे वापस आ चुका, तो यहीं से बाउंस पे यस बैंक लेगा। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे का जो उछाल होगा इसमें जैसे ही 35 रुपये, ध्यान देंगे जैसे देख सकते हैं ये इस प्रकार के जो पैटर्न बनाए यहाँ पे, और ये जो यानी कि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जिसने बनाया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके पश्चात देख सकते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बिल्कुल लो पे आ चुका है, ठीक है। अगर इस लो को ब्रेक करता तो यस बैंक आपको डेफिनेटली 34 या 33.90 तक का जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 33.50 का फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस खड़ा है, ठीक है। तो 33.50 का स्टॉप लॉस खड़ा, तो 33.45 देखो 33.50 को छू के भी आ सकता है, तो इसलिए 33.45 को भी छू के आ सकता है, उसके आसपास से मतलब वापस घूम सकता है यस बैंक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये अगर इंट्राडे में 35 रुपये को निकालते यस बैंक, तो यस बैंक बहुत तेज गति से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो 21 DMA को ब्रेक करेगा ये यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, इसको ये डीएक्टिवेट कर देगा 35 रुपये को ब्रेक करते, तो 35 को ब्रेक करते यस बैंक ऊपर की तरफ उछाल मारेगा, जो कि 36 रुपये 37 रुपये 38 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। और 38.50 ब्रेक हो गया तो यस बैंक आपको 40 के पार भी ज़्यादा हुआ दिखाई देगा। और ध्यान देंगे यहाँ पे अभी आपको पूरी न्यूज़ में बता देता हूँ कि न्यूज़ में क्या निकल के आया है। न्यूज़ ध्यान देंगे दोस्तों, न्यूज़ यस बैंक के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, यस बैंक के लिए ये देख सकते हैं, यस बैंक को $2 बिलियन की पूंजी का इंतजार है जी। अब मैं पूरी खबर यहाँ से बता देता हूँ। आरबीआई के लिए यस बैंक के लिए एक बचाव योजना पर विचार करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसके ढेर से वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। देखो आरबीआई के लिए सरकार के लिए आवश्यक हो चुका है, क्योंकि यस बैंक अगर ढह गया तो सबको ढहना पड़ सकता है, क्योंकि यस बैंक काफ़ी बड़ा बैंक है, यहाँ पे देश का चौथा बड़ा बैंक है, यहाँ पे सारा उथल पुथल हो जाएगा अर्थव्यवस्था। तो देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि आरबीआई की आरबीआई के लिए आवश्यक हो गया यस बैंक को बचाने के लिए। यह बैंक अगस्त से अपने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के बाद से धन जुटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको धन नहीं मिल रहा है, तो अब आरबीआई इसके लिए कुछ कर सकता है। यह अभी ये क्या इसमें क्या बोल रहा है, यस बैंक के लिए अंतिम मौका है, उसके बाद आरबीआई आएगा, उसके बाद सरकार आएगी, उसके बाद सब बचाने के लिए आएंगे। लेकिन यस बैंक क्या बोल रहा है, यस बैंक के जो रवनीत गिल साहब, मैं अपने दम पे यस बैंक को बचाऊंगा, यस बैंक फंड राइजिंग करके दिखाऊंगा, बाद में आपका मौका है, पहले तो मैं खुद तो कर लूं। अभी देखो यहां पे देखो नीचे सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका इंतजार खत्म हो जाए, ये देख सकते हैं आप नीचे, जबकि यस बैंक को उम्मीद है कि 14 मार्च की शुरुआत तक 14 मार्च तक, क्योंकि 14 मार्च को क्वार्टर थ्री रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, तो उन्होंने पहले ही कह दिया। देखो यस बैंक अभी कितना मार्च हो गया, 2 मार्च हो चुका है, तो यस बैंक में दोस्तों यहाँ पे बम्पर खबर आने वाली है। आरबीआई ने तो कह ही दिया है और सरकार कह ही दिया है, क्योंकि सबको पता है कि आरबीआई इसको बचाने वाला है, सरकार बचाने वाली है, लेकिन यस बैंक पहले खुद तो अपने आप को बचा ले, उसके बाद भी मालूम कोई आदमी डूब रहा है, पहले खुद तो उसको तैरना आ रहा है, वो खुद तैर कर देखेगा ना, उसके बाद में हाथ खड़े कर देगा, डूब रहा है दूसरा बचाएगा उसको, ठीक है। तो ये पहले खुद बचना चाहता है, मैं खुद अपने आपको बचाऊंगा, यस बैंक बोल रहा है, ठीक है। जबकि यस बैंक को उम्मीद है कि 14 मार्च की शुरुआत तक धनराशि को टाई करने में सक्षम होगा, एक संभावना है कि एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को अस्थायी रूप से कदम रखने के लिए कहा जा सकता है। अगर निवेशकों के साथ बातचीत समय सीमा से आगे निकल जाए, तो लोगों ने ये भी कहा था, और आपको बताया यस बैंक को जो QIP के अब मौका मिल चुका है, यस बैंक को जो 10,000 करोड़ का फंड जुटाने का यानी कि निवेशकों ने जो यस बैंक शेयर होल्डर्स उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, 800 करोड़ का जो इनका जो मार्केट कैपिटल 1100 करोड़ का अप्रूवल दे दिया है, सारी बिग न्यूज यस बैंक के ऊपर यस बैंक के पास है। अभी जो टूटा था मार्केट वो तो आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से टूटा, यस बैंक में कोई ऐसा नहीं है कि फिर भी यस बैंक देख सकते हैं सिर्फ 5% में सिमट गया, लोग कहीं से तो 20-20% 30-30% लुढ़क चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, यहाँ पे यस बैंक इतना नहीं लुढ़का है। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको पूरी खबर आपको बता ही दिया है, यस बैंक $2 बिलियन आपको पता है हिंदुजा ब्रदर्स आ चुके हैं, और जो अभी आपको पता है कौन सा कैपिटल और था, अब जो जेसी फ्लोर कंपनी वो आ चुके हैं आरबीआई के आरबीआई सामने है, और भी यानी कि $1.2 बिलियन और भी कुछ लोग लेके आने वाले हैं, और क्वार्टर थ्री रिजल्ट यस बैंक यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला है, जो कि बेटर यहाँ पे बेटर आने की संभावना है, और QIP यस बैंक 10,000 करोड़ की QIP लेके सकता है, यानी कि गजब गजब यस बैंक न्यूज है। ध्यान दें कि यस बैंक दोस्तों यहाँ पे ट्रेंडिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यस बैंक का ये मार्च का सिलसिला मैंने
क्या कहा था, 31 मार्च तक आरबीआई फिर अपने हाथों में इसको ले लेकर यस बैंक, इसलिए यस बैंक 14 मार्च पर, इसलिए कहते देख सकते हैं 14 मार्च, क्योंकि 31 मार्च के बाद भी आरबीआई के हाथों में चला जाएगा, क्योंकि यस बैंक की जो गाइडलाइन समय समय है वो 31 मार्च तक है। पहले अभी यहाँ पे देखो आपको सारा बता दें, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अब पूरी अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या है। संभावित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जमा की गई संपत्ति की बिक्री शामिल हो गई या अंतिम रुपए के रूप में राज्य सरकार संचालित बैंक के लिए एक छोटी सी इस दर की बिक्री आगे पूंजी जुटाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है। ठीक है, लोगों ने किसने कहा, मीडिया ने कहा कि भाई हम ये जो खुलासा कर रहे हैं ये हमें सारा आगे की कहानी के बारे में कर रहे हैं, लेकिन हमारा नाम ना छापे, हमें यह पता कि यस बैंक ये होने वाला है। ठीक है, ये देख सकते हैं यस बैंक को देखो बचाने के लिए कुछ इसी यस बैंक यानी कि स्टेक बेच सकते हैं, यस बैंक कुछ साझेदारी बेच सकते हैं, तभी तो कुछ लोग इसमें खरीदेंगे। देखो यस बैंक के लिए एक बैकअप बचाव योजना जो कि बुरे ऋणों के भार के नीचे आरबीआई के लिए आवश्यक हो गया कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि बैंक के पतन के कारण वित्तीय संस्थानों और आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि आरबीआई और सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि यस बैंक का जो ऋण है वो कितना बड़ा लोगों में यानी कि खराब खराब कंपनी में डूब चुका है, तो इसलिए आरबीआई को उसको यस बैंक को बचाने के लिए कुछ और पैसा यस बैंक को देना चाहिए या इसको ऊपर उठाना चाहिए, सरकार इस पर विचार कर सकती है। सरकार के पास आरबीआई के पास पैसा की कमी पैसे की कमी नहीं है, वो कहीं से भी किसी भी बजट से पैसा निकाल सकते हैं, यस बैंक को उठा सकते हैं, उसके बाद यस बैंक धीरे धीरे चुकाता रहेगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे यस बैंक के लिए बड़ी खबर है यहाँ पे, और टेक्निकल चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि इसका जो आपको बता दें पॉजिटिव इंडिकेटर क्या है, आरएसआई इसका भी देख सकते हैं न्यूट्रल आरएसआई, यहाँ पे कोई सेल सिग्नल नहीं है, लेकिन एमएसईडी यहाँ पे बाय सिग्नल यहाँ पे लेके बैठा है, देख सकते हैं एमएसईडी अभी भी क्रॉस और जनरेट ऊपर की तरफ करके बैठा है, तो यहाँ से यस बैंक बूम बूम बन के भाग सकता है, ध्यान देंगे यस बैंक यहाँ से बूम बूम बन के भाग सकता है। लोगों को यहाँ पे कोरोना वायरस की से डराया गया है, डराया क्या गया, यहाँ पे लपेट में सभी आए कोरोना वायरस, लेकिन यस बैंक देख सकते हैं इतना कोई ज़्यादा यस बैंक नहीं गिरा है, क्योंकि यस बैंक अगर आपको पता है यस बैंक बिना कोरोना वायरस का भी 20% गिर जाता है, 30% गिर जाता है, लेकिन कोरोना वायरस इसकी वजह से कई सारे यहाँ पे 20% 30% गिरे हैं, लेकिन यस बैंक क्या गिरा, यस बैंक सिर्फ 5% में गिर गया, क्योंकि 1 रुपये में 5% निकल गया था, तो 1 रुपये से ज्यादा कोई यस बैंक गिरा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, देख सकते हैं यस बैंक के लिए जो मेन अड़ंगा आपको बता दूं टेक्निकल चार्ट में क्या निकल के आ रहा है, यस बैंक के लिए मेन अड़ंगा जो निकल के आ रहा है ये देख सकते हैं दोस्तों, यस बैंक में मेन अड़ंगा निकल के आ रहा है 21 DMA, जब 21 DMA को यस बैंक देख सकते हैं यहाँ पे 53 को 53 पे टच किया था नीचे गिर गया, ये ब्लू लाइन आ रही है देख सकते हैं, फिर 48 पे टच के गिर गया, उसके बाद में 45 गिर गया, उसके बाद देख सकते हैं 40 फिर गिर गया दोबारा से, भी देख सकते हैं 40 फिर गिर गया, उसके बाद देख सकते हैं दोबारा से 37 रुपये और 70 पैसे के आसपास, यानी कि 21 DMA के ऊपर यस बैंक ने अभी तक एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी है। जिस दिन 21 DMA के ऊपर यस बैंक क्लोजिंग आ गई, समझ लीजिए यस बैंक का ऊपर का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं बता दोस्तों यस बैंक का देख सकते हैं एनगल्फिंग जो पैटर्न मैंने बताया था, ये एनगल्फिंग पैटर्न बना था, और ये एनगल्फिंग पैटर्न ब्रेक होकर बैठा, तो यस बैंक अभी भी एनगल्फिंग पुलिस एनगल्फिंग पैटर्न के साथ काम कर रहा है, ध्यान देंगे पुलिस एनगल्फिंग पैटर्न के साथ काम कर रहा है, जिसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 33.50, ये नहीं कि 33.50 हिट कर गया तो वो 88 हो सकता है, 33.50 33.45 33.40 के आसपास से वो वापस से देखो हिट करके लौट भी सकता है वापस। मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि स्टॉप लॉस का क्या 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 रूल्स होता है, कि क्या कई बार क्या होता है स्टॉप लॉस के सटीक वहीं टच करके वहीं से उठ जाता है, इसलिए 10-20 पैसे अपन स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं पोजिशनली। फिर भी यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इंट्राडे में आपको बता दिया कि अगर यस बैंक यहाँ पे अगर ये 33.50 का स्टॉप लॉस तो है ही सटीक स्टॉप लॉस पोजिशनली, लेकिन इंट्राडे में ही ये इंट्राडे में 35 रुपये को ब्रेक करके देख सकते हैं 34.60 के आसपास ये घूम रहा है, 35 को जैसे ब्रेक करके यस बैंक में यहाँ पे जोरदार उत्साह देखने की संभावना है जो कि दोस्तों आपको मिल सकती है। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों ऐसे मार्केट न्यूज तो आपके लिए तैयार है, फिर आप टेंशन मत लीजिए, लाइव में आपको टारगेट मार्केट का बाप टूटे मार्केट टूटे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, आपका पैसा यहाँ पे पक्का बन के दिखता है, पैसा आपको बना के दिखाता है ऐसा मार्केट न्यूज, क्योंकि रीडिंग करके बैठा यहाँ पे इंट्राडे की दोस्तों क्लासेज यहाँ पे आपको दिखाता है, यहाँ पे इंट्राडे का दोस्तों यहाँ पे आपको देखा था यानी कि जो जो कमाने का जो नजरिया है कैसे आपको देखो गिरे हुए मार्केट में भी शोर कॉल निकालते गिरे हुए मार्केट में भी, और चारों कॉल में कोई स्टॉप लॉस नहीं, गजब का प्रॉफिट, मार्केट उठता है तो भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, गजब का प्रॉफिट, यानी कि मंथली एक्यूरेसी गजब की प्रॉफिट में निकल के आई, क्यों निकल के आ रही दोस्तों, तो ये दोस्तों इंट्राडे की एनालिसिस होती है, ये लाइव एनालिसिस होती है कि कौन से शेयर्स में कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, कितना ब्रेकआउट होगा, कहाँ तक ब्रेकआउट होगा, कहाँ इसका अपन टारगेट रखें,
तो वो 200 टारगेट, देखो टारगेट के हिटाने के बाद, टारगेट के आने के बाद चाहे शेयर गिरे तो शेयर का भाव गिरे, अपने को कोई मतलब नहीं है, अपना टारगेट आ चुका है, अपना पैसा बन चुका है, उसके बाद में शेयर तो गिरेगा ना, उसका अभी तो काम कहाँ हुआ है। ठीक है, वो रास्ता है उसको पता, आपको पता, वापस वो उसको जयपुर जाना है, जयपुर जाके उस बस को वापस से सिक्कर भी आना है, तो अपना टारगेट जयपुर उतरना था ना। अब आप जयपुर उतरे नहीं, वापस सिक्कर आ गए, तो आप कहोगे यार मैं तो वापस सिक्कर आ गया। तो ये होता है दोस्तों टर्निंग पॉइंट, क्या होता है टारगेट, अपना टारगेट था जयपुर जाना, वो बस अपन को पता अपन कहाँ से बैठे थे। ठीक है, अब आप बैठ गए बॉम्बे से बैठ गए, भाई साहब अपन को तो अब जाना है राजस्थान जाना है, और बस वापस राजस्थान जाके और वापस बॉम्बे भी आ रही है। ठीक है, यहाँ वो ट्रेन या आप हेलीकॉप्टर जिसमें, लेकिन आपका टारगेट राजस्थान, आप राजस्थान नहीं उतरे उसके बाद वापस तो बॉम्बे जाएगी ना, तो आपका क्या हो जीरो गया, जीरो लो गया, इसका मतलब आपका टारगेट राजस्थान तो वहाँ पर उतरना था। इसलिए दोस्तों आपको टारगेट दिया जाता है वहाँ, तो आपको बुक करना आपका काम रहेगा, ऑर्डर में थोड़े लिखाऊंगे आपके हाथों से। भाई दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।